जांच सिटिंग जज से या सीबीआई से जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सारे खेल में सत्ता संरक्षित ये अपराध हो रहा है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ निशा बंडवाल। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक यह आंकड़ा 2 दर्जन से अधिक हो चुका है, जिसको लेकर बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। अब इसको लेकर बीजेपी के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जो है वो मोतिहारी पहुंचे। वहां पर उन्होंने सबसे पहले जाकर अस्पतालों में मरीजों से मुलाकात की, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी उनसे बातचीत की और फिर बीजेपी कार्यालय से प्रेस को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने जमकर सरकार को घेरने का काम किया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि विजय सिन्हा ने क्या कुछ सरकार पर आरोप लगाए हैं। माननीय केंद्रीय संसद हम सबों के अभिभावक राधा मोहन पहले हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज इनके यहाँ रहने से ये घटना उजागर हुआ। प्रशासन के लोग इस घटना को छुपा रहे थे। हम लखीसराय अपने क्षेत्र में थे, कुछ लोगों ने यहाँ से हमें फोन किया और प्रेस मीडिया के लोगों की द्वारा हमसे पूछा जाने लगा। यहाँ के प्रशासन से जब हमने बात किया, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा था। हर सिद्धि के अंदर मौत हुई, सबसे पहले वहां पर लोग पीड़ित हुए और हॉस्पिटल गए और आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम के उसकी लाश को जला दिया गया। एसपी डीएम नए आए हैं, लेकिन एसडीपीओ और वहां के थाना प्रभारी की जिम्मेवारी क्यों सरकार तय नहीं कर रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके झूठे अहंकार के कारण शराबबंदी का मामला जब आपने सदन में लाया था, उस समय हम ही विपक्ष में थे और हमारे प्रस्ताव पर सदन के अंदर हमने उस समय भी शंका जाहिर किया था और कहा था कि आपके साथ सत्ता में बैठे लोग के नीयत साफ नहीं है, आपकी नीति सफल नहीं होगा, इसलिए पहले सत्ता में बैठे लोग को शपथ दिलाई और पूरा सदन शपथ लिया था। आज वह सच साबित हो रहा है। इस सदन के अंदर जो शपथ लिए थे उनके साथ वह शपथ झूठा था। अगर जो झूठा नहीं है तो शराब बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक को उम्मीदवार कैसे बनाया? शराब पीने वाले को उम्मीदवार कैसे बनाया? आज गोपालगंज के अंदर शराब बनाने वाले फैक्ट्री का मालिक राजद का उम्मीदवार कैसे बना? शराब पीने वाले जदयू का कुर्नी में उम्मीदवार कैसे बना? और हद तो तब हो गई कि जदयू के उच्च पद पर बैठे व्यक्ति समस्तीपुर में उसका भतीजा उसका भाई शराब माफिया है, शराब का सप्लाई करता है। मुख्यमंत्री जी, आपके झूठे अहंकार के कारण ये कहीं न कहीं अपराधियों का और भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ा रहा है और बिहार की बर्बादी की कहानी आपके संरक्षण में हो रहा है। आपके संरक्षण में बिहार के हमारे नौजवान ये शराब के तस्करी के धंधे में लगाकर अपराध के गलियों में खेला जा रहा है। इसके लिए पूरी जिम्मेवारी आपकी है। सदन में हमने जब यह मामला उठाया था, आपने कहा था, हम कहे थे वो अनाथ बच्चे और उस विधवा का क्या कसूर है जिसका पति जिसका पिता का मृत्यु आपके जहरीली शराब से हुआ। जहरीली शराब जब पूर्ण शराब बंदी है तो जहरीली शराब कहां से आती है? छपरा के अंदर विधानसभा सत्र चलते हुए हम लोग दर्जनों विधायक आए थे और सदन में कहा था आपका इसका न्यायिक जांच कराएं, सीबीआई से जांच कराएं। आप ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि पूर्ण शराब बंदी हो, हम तो पूर्ण नशाबंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने शराबबंदी के नाम पर जो माहौल बिहार के अंदर खराब किया, वो व्हाइट जहर
पूरे बिहार के स्कूल कॉलेज तक पहुंचाने का खेल खेल रहे हैं और शराबबंदी के नाम पर जो एक धन कुबेरों की जमात आपके दल के अंदर, आपके सरकार के गठबंधन के अंदर और भ्रष्ट पदाधिकारियों के थाना से लेकर के जिले के स्तर में खड़े हो रहे हैं। न्यायिक जांच सिटिंग जज से या सीबीआई से जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सारे खेल में सत्ता संरक्षित ये अपराध हो रहा है। आज लगभग एक दर्जन से ज्यादा ये सत्ता संरक्षित नरसंहार हुआ है। मैं बता दूं कि आज तो सुना आपने, विजय सिन्हा ने फिर से सरकार को इस मामले को लेकर घेरा है और कहा, आंकड़े भी बताए और साथ ही साथ कहा कि लगातार बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से मौतों का मामला सामने आ रहा है, गरीब इसको लेकर परेशान है और साथ ही साथ उन्होंने इसको लेकर सरकार को विफल भी बताया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।